मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था बिना रोजगार देने वाली बना रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा। भारत की टॉप 1200 कंपनियों जिनका मुनाफा पिछले कुछ सालों में भारत की जीडीपी के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है, पर देश के युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है। खुलासा आया है, एक बहुत बड़ा, एक पूरा का पूरा रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की। भारत की टॉप 1200 कंपनियों का पूरा चिट्ठा उन्होंने उठा के आपके सामने रख दिया है। 1200 सबसे बड़ी कंपनी, और इन 1200 सबसे बड़ी कंपनियों में आपके बैंक भी आते हैं, आपके पीएसयू एंड के एनटीपीसी कोल इंडिया लिमिटेड भी आते हैं, और जो प्राइवेट और पीएसयू मिला के, और जिसके अंदर रिलायंस और अडानी भी आते हैं आपके सारे। तो इन्होंने आपको कितनी नौकरी दी है, और ये रिपोर्ट तैयार की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। और ये परसेंटेज टर्म तो है उसके अंदर, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़े दिए पहली बार ऐसा आया कि जैसे सीएमआई के जो आंकड़े आते हैं वो आपको परसेंटेज कुछ बताते हैं, इतनी ग्रोथ है, तो उस पर कोई विश्वास करते हैं, कोई नहीं करते हैं। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा की इस रिपोर्ट के अंदर एक एक चीज क्लियर है, इसमें एक एक व्यक्ति को काउंट किया गया है, एक एक व्यक्ति को काउंट किया गया है। हमारी आबादी कितनी, 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारी। अब आप सोचिए कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी में भारत में इस समय कुल मिला के सिर्फ 62.5 लाख लोग, 62.5 लाख लोग इन 1200 कंपनियों में काम करते हैं, सिर्फ 62.5 लाख लोग। 140 करोड़ में 1 करोड़ लोग भी नहीं है जिनको यहाँ पर जॉब मिलता हो इंडिया की टॉप कंपनियों के अंदर। अब आते हैं एक एक करके आंकड़ों के ऊपर, और उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर पिछले 3 से 5-4 साल की ग्रोथ देखी जाए तो भारत की ग्रोथ जो एवरेज ग्रोथ चल रही है करीब 7.5-8% की चल रही है, 7.5-8%। कोरोना से स्टार्ट करके और अब तक जितनी भी भारत की बड़ी कंपनियां हैं, ये डेटा बताते हैं, जो हमारी ग्रोथ है, यानी कि अगर हमारी एवरेज ग्रोथ 8% की आई है पिछले 3 साल की, तो उस 8% की ग्रोथ के मुकाबले ये जो 1200 कंपनियां हैं हिंदुस्तान की बड़ी, इनका मुनाफा 3 गुना ज्यादा बढ़ा है जीडीपी की ग्रोथ से। इसका मतलब कि जहां हर साल जो ग्रोथ हो रही थी इनकी 8% की जीडीपी हो रही थी, लेकिन इन कंपनियों का मुनाफा जो है 25 से 30% हर साल बढ़ रहा था, 25 से 30% हर साल बढ़ रहा था। यानी कि अगर 3 साल पहले किसी कंपनी का मुनाफा 100 रुपए था, तो आज वो मुनाफा 200 रुपए हो गया है, 200 रुपए हो गया है। आप ये सोच सकते हैं, यानी कि 100 से 25 रुपए का जंप करेंगे तो 125 होते हैं, फिर 125 के ऊपर फिर 25% का जंप करेंगे तो फिर 150-160 पे आता है, फिर उसके ऊपर 125% का जंप करेंगे तो फिर वो करीब वो पूरा का पूरा 200 पे आ जाता है। आप सोचिए कि भारत का जीडीपी 100 से जंप करके कुल मिला के 124-125 पे आता है, और इन कंपनियों का प्रॉफिट, 1200 कंपनियों का प्रॉफिट 100 से जंप करके 200 पे चला जाता है, यानी कि जीडीपी की ग्रोथ से 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट इन कंपनियों ने कमाया। लेकिन ये कंपनी सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी करती रही, ये सिर्फ मुनाफाखोरी करती रही, मैं इनको मुनाफाखोर कहूंगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इतनी ज्यादा मुनाफाखोरी की, और मोदी जी ने 2019 में टैक्स की कंसेशन दे दी, 35% से इनका टैक्स घटा के 22% कर दिया, लेकिन हम जैसे आम आदमी का टैक्स 35% घटा के 34% भी नहीं किया, 35% से घटा के 34% भी नहीं किया। तो सारा मुनाफा इन टॉप के धरना सेठों को दे दिया गया, जो मुनाफा खोर थे, जो भारत के लोगों का एक तरह से कहा जाए तो ज्यादा कीमतें लेके क्यों चूस रहे थे, लेकिन आपको वापस कुछ नहीं दे रहे थे। तो क्या इन्होंने नौकरी दी? लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज सारे वो पर्दे खोले और हमारे सामने उस रिपोर्ट को लेके आए, जिसको देखकर शर्म आती है। अब एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बता रहे थे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2021-22 में, 2023-24 खत्म हुआ, 24-25 चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल पहले भारत के अंदर जो एम्प्लॉइज की संख्या थी 3 साल पहले, वो 58,27,272 एम्प्लॉइज थे, 58,27,272 एम्प्लॉइज थे, और 2022-23 में उससे अगले वर्ष में ये 5.7% की इनकी वृद्धि होती है, और ये एम्प्लॉय वर्कर 61,60,968 हो जाते हैं। यानी कि 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में जो एम्प्लॉयज की वृद्धि होती है इन 1200 कंपनियों में, वो सिर्फ 3,33,696 एम्प्लॉयज आते हैं एक साल में, जो बढ़त होती है 3,33,696। और इससे पहले आप सोचिए कि इससे पहले कोरोना था 2021 में 21-22 में, उस साल में कम से कम नहीं तो 30 से 40 लाख एम्प्लॉय का जॉब चला गया था, वो जॉब जब चला गया तो वापस नहीं आया कभी भी, यानी कि हमारी जो संख्या उस समय 80 लाख से 1 करोड़ हो सकती थी 1200 कंपनियों में एम्प्लॉयज की, वो घटकर जो थी 58 लाख रह गई, और उसके बाद वो एम्प्लॉय कभी वापस नहीं आ पाई। तो 2022-23 में इनकी संख्या सिर्फ 3,33,696 बढ़ती है, और उसके बाद पिछले साल यानी कि अभी जो वर्ष खत्म हुआ मार्च 2024 को, इन 1200 कंपनियों ने, एग्जैक्ट कंपनियों के नंबर 1196 है, मैं आपको बता दूं 1196, लेकिन राउंड फिगर मैं इसको 1200 कह रहा हूं, सिर्फ 1.5% की ग्रोथ पिछले साल होती है यहां पर 2023-24 के अंदर, और इन 1200 कंपनियों ने एक साल में, आप दिल थाम कर बैठिए, जबकि इन्होंने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया, इन्होंने नौकरी दी सिर्फ 90,840। भारत की टॉप
1200 कंपनी एक साल में नौकरी देती है 90,840 लोगों को, यानी कि शर्म आती है कि अब एम्प्लॉयज की संख्या होती है 62,51,808। तो इंडिया में जो टोटल सिस्टम 140 करोड़ के देश में जो लोग काम कर रहे हैं वो है 62,51,808, मोटा मोटा कहा जाए तो 62,500 लोग, यानी कि 144 करोड़ लोगों के देश के अंदर हमारे देश में टॉप की जो 1200 कंपनियां हैं वो 1 करोड़ लोगों को भी रोजगार नहीं देती है, सिर्फ 62,500 लोग। अब इन 1196 कंपनी या 1200 कंपनियों के अंदर करीब करीब 700 कंपनियां ऐसी थी, 700 कंपनियां जिसकी एम्प्लॉयज की संख्या में थोड़ा सा बढ़ोतरी लगता है, थोड़ा सा, किसी ने 50 एक्स्ट्रा कर लिया, किसी ने 100, किसी ने 150, बस एक साल के अंदर 121 कंपनियां ऐसी थी जिसकी संख्या में कोई बदलाव नहीं था, कोई भी बदलाव नहीं था, यानी कि समझो 125 कंपनियां और 450 कंपनियां, 375 कंपनियां ऐसी थी जिनमें एम्प्लॉयज की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, यार उन्होंने लोगों को निकाल दिया। और निकाल भी आजकल कैसा रहा है कि जैसे एचआर के अंदर लोगों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि भाई आप लोग इस्तीफा दे दो, आप लोग इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर आगे कहीं और हम आपको निकाल देंगे तो फिर आप कहीं और नौकरी करने जाओगे तो अब वो हमसे तो आपकी इंक्वायरी करेंगे तो बोलेंगे आपका कैरेक्टर कैसा, तो हम कह देंगे भैया खराब है, तो बेकार का आदमी था, तो आपको वहाँ भी नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि एचआर वाले एचआर के साथ बात तो करते हैं, ये तो नॉन फैक्ट है सारा का सारा। ये लोग प्रेशर में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हम दरअसल लोगों को नहीं निकाल रहे हैं, लोग अपने आप इस्तीफा दे के निकल जाते हैं। ये एक नया ट्रेंड काफी टाइम से चला आ रहा है जहाँ लोगों को प्रेशराइज किया जाता है, भैया आप ठीक हो, आप चले जाओ, अब हमारे पास जगह नहीं, यहाँ पर आपको दे देते हैं। एक आंकड़ा और निकल के आता है कि 2023-24 के अंदर जो अभी मार्च के अंदर खत्म हुआ, इन सारी कंपनियों ने जो 1200 कंपनियां थी इससे बेहतर तस्वीर 75 वर्ष में इन कंपनियों की कभी नहीं रही प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। इनका सेल्स का आंकड़ा 100 लाख करोड़ था, 100 लाख करोड़ का था, 100 लाख करोड़ की सेल्स होती है और उसके ऊपर जितनी जीडीपी की ग्रोथ है उससे 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट इनका होता है। क्या आपने किसी देश में देखा कि जितनी आपकी जीडीपी ग्रोथ हो उससे 3 गुना प्रॉफिट आपके ये लोग कमा रहे हो? कभी देखा किसी देश के अंदर आपने? ये भारत में हो रहा है क्योंकि ये क्रोनी कैपिटलिज्म है और मोदी सरकार इसको अलाउ कर रही है। और जब आप सोचते हो कि ये 1200 इंडिया की टॉप कंपनी जो सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स हैं वो एक साल में 90,000 लोगों को एम्प्लॉय देती है, फिर आप कहते हैं कि बेरोजगारी कैसे मिटेगी? भाई आप सोचिए, सरकार ने नौकरी नहीं देनी, पीएससी ने नौकरी नहीं देनी, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर ने भी नौकरी नहीं देनी, तो भाई ये लोग जाएंगे कहाँ बेचारे? और जब गीता गोपीनाथ IMF की जो डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है उनकी जब रिपोर्ट आई और पीछे अभी इसी हफ्ते में बड़े बड़े मेरी भी एक रिपोर्ट न्यूज लॉन्चर पे आ चुकी है और बड़े बड़े शब्दों के अंदर वादे किए गए थे कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, लेकिन गीता गोपीनाथ ने कहा था नौकरी का यहाँ पर, Your entire growth is without employment. और जब भी ये लोग मिलते हैं आपस में सारे के सारे तो हंसते हैं, जितने भी ये उद्योगपति हैं जो 1200 बड़े हैं, जब ये 5-star होटलों में आते हैं तो एक दूसरे को देख के हंसते हैं कि देखिए ये कैसा प्रधानमंत्री जो हमसे कहता है प्रॉफिट तो कमाओ लेकिन किसी को नौकरी मत दो, और मरने के लिए लोग सड़कों पे भटक रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों को भी एक बांग्लादेश और श्रीलंका के होने का इंतजार है, क्योंकि जिस दिन इनके फैक्ट्रियों में या इनके सो कॉल्ड जो सारे के सारे कारोबार है जब उसमें ये लोग आग लगाएंगे तब शायद इनको पता लगेगा कि ये जो अन्याय कर रहे हैं भारत के बेरोजगारों के साथ इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। और इनकी धनपतियों की जो संख्या है, इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इनकी जो भारत में लेवल ऑफ इनइक्वालिटी है और जिसके बारे में गीता गोपीनाथ कह रही है भाई नौकरी दो, आप सारी की सारी आपकी ग्रोथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा नहीं दे रही है। मुझे शर्म आती है, सरकार ने नौकरी नहीं देनी और पूरा का पूरा जो आपका प्राइवेट सेक्टर है जो 1200 बड़ी कंपनियां हैं वो अरबों खरबों का प्रॉफिट ले रही है। 100 लाख करोड़ जो होता है ना भारत के बजट से डबल है ये सेल्स जो है 1200 कंपनियों की, भारत के एनुअल बजट से डबल से ज्यादा बड़ी सेल है साहब। इस टोटल मिला के 100 लाख करोड़ के अंदर इनके प्रॉफिट ही 10 लाख करोड़ से ज्यादा के हैं और ये कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं? सिर्फ 90,000 लोगों को। 140 करोड़ के देश में अगर ये 90,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं तो आप समझिए तो आपके सितारे डूब चुके हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आपके सामने सीधे तथ्यों को रख रहा हूं और बैंक ऑफ बड़ौदा की खासतौर से इस रिपोर्ट ने पूरी भारत सरकार को नंगा कर दिया है, मोदी कैबिनेट को नंगा कर दिया है, इसके अलावा भारत के इन उद्योगपतियों को नंगा कर दिया है जो पैसे का नंगा नाच आपके साथ खेल रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं दे रहे हैं। शर्म तो हमारी तमाम माहिती थी, अपडेट रहने जुड़ायेला रहो S9 न्यूज साथ।